यूनिट थर्टीन का प्रॉब्लम नंबर वन है हमारे पास स्टेटमेंट वैसे कैलकुलेट दी वर्क डन इन मूविंग फोर कॉलम ऑफ चार्ज अक्रास पॉइंट्स व्हेन पोटेंशियल इज फाइव वोल्ट तो इसमें जो हमारे पास गिवन डाटा होगा चार्ज गिवन है गेवन हैज़ फोर कॉलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रास द पॉइंट इज फाइव वोल्ट्स वी आर आज टू कैलकुलेट वर्क डन एंड फार्मूला फॉर वन इज डब्ल्यूज इक्व टू क्यू नाट इंटू डेल वी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे चेंज इन पोटेंशियल का दट इज डेल्टा वी तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे वर्क डन इक्वल्स टू फोर इंटू फाइव एंड वर्क डन इक्वल टू ट्वेंटी जोल ये है हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर टू ऑलमोस्ट सेम है वहाँ पे भी हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है हाउ मच वर्क डन ऑन अ चार्ज ऑफ वन कॉलम पोटेंशियल इज नाइन कॉलम तो यहाँ पे भी हमें चार्ज है अमाउंट ऑफ चार्ज इज़ वन कॉलम एंड पोटेंशियल इज अप्लाइड एज नाइन वोल्ट तो वर्क डन का वही फार्मूला अप्लाई करेंगे डब्ल्यू इक्वल्स टू क्वल टू क्यो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डेल्टा वी बाय चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज़ वन एंड वर्क डन इक्वल्स टू नाइन कॉलम नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर थर्ड देखिएगा प्रॉब्लम नंबर थर्ड है यूनिट नंबर थर्टीन का टू चार्जिज ऑफ फोर माइक्रो कॉलम एंड टू माइक्रो कॉलम आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स न्यूटन एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जिज तो अगर आप देखें गिवन डाटा में पास, तो यहां हम तो K, K1, यहां हमारे पास तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कौन ला के जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कौन ला के टॉपिक में हमने स्टडी किया था एफ इक्वल्स टू के के ओ वन के ओ टू अपॉन आर स्केयर यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू भी है के ओ वन की वैल्यू भी आर के ओर टू की वैल्यू भी है और फोर्स भी गिवन है एंड वी हैव टू डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन दी चार्ज तो रीअरेंज करेंगे आर स्केयर हमें डिटरमाइन करना है उसके साइड पे लेके आएंगे अब आर स्केयर इक्वल्स टू के क्यो वन, वन, वन अपन एफ तो आर स्केर वैल्यूज पुट करेंगे के इज़ कांस्टेंट उस वैल्यू इज़ नाइन टेन पावर नाइन क्यो वन हमारे पास था फोर माइक्रो कॉलम एंड माइक्रोमीन टेन एक्स पावर माइनस सिक्स एंड क्यो टू की अमाउंट थी टू माइक्रो कॉलम अपान एफ फोर्स थी हमारे पास पॉइंट सिक्स तो यहाँ पे जो हम इनको रियल रेड करके लिख सकते हैं नाइन मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाई टू अपॉन जीरो पॉइंट सिक्स एंड जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थे उनको अलग करके लिख लेंगे टेन पावर नाइन इंटू टेन पावर माइनस सिक्स टेन पावर माइनस सिक्स बेस सेम हो तो पावर्स को हमने कैलकुलेट एड या सपरेट कर सकते हैं देन हमारे पास आ जाएगा सेवनटी टू फोर मल्टीप्लाई बाय नाइन मल्टीप्लाई बाय टू सेवनटी टू अब जीरो पॉइंट सिक्स डेसिमल का पॉइंट खत्म करेंगे सिक्स अपॉन टेन आ जाएगा टेन को बजा के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्र हमारे पास आ जाएगा सेवन ट्वेंटी अपॉइन सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एस टू पावर माइनस थ्री तो सेवन ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई टेन एज पावर माइनस थ्री तो आर जब की जगह आप स्क्यर रिमूव करेंगे दोनों साइड में हमने स्क्यर रूट ले लेना है तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जीरो पॉइंट थ्री फाइव मीटर तो जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यू you नो know, एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होंगे तो पॉइंट थ्री फाइव को जब हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा थर्टी फाइव सेंटीमीटर ये हैं तीन प्रॉब्लम्स बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे दुआ में याद रखिएगा अल्लाह नगेबान